नमस्कार दर्शकों, मैं रेणुका शर्मा। दिन भर की खबरें देखते हैं फटाफट, खबरें फटाफट में। सालों बाद एक साथ आई हैं ये दो पार्टियां, एसपी और बीएसपी। आपको बता दें कि गेस्ट हाउस कांड की वजह से बड़ी थी इनकी दूरियां। अखिलेश ने किया बड़ा ऐलान, गठबंधन की सीटों पर 38-38 सीटों पर लड़ेंगी दोनों पार्टियां एसपी और बीएसपी चुनाव। आलोक वर्मा को केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक के पद से हटाए जाने के बाद नए निदेशक की तलाश तेज कर दी गई है। नए सीबीआई चीफ की तलाश शुरू, उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत कई लोग हैं इस रेस में। लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 29 पैसे हुआ महंगा। दुबई क्रिकेट मैदान से राहुल गांधी ने दिया फ्रंट फुट की राजनीति का संदेश। मंच और माइक संभालने के बाद लोगों से रूबरू हुए राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है दिल्ली की हवा, लोगों के लिए सांस लेना भी हुआ जानलेवा। दिल्ली में हवा की स्थिति गंभीर हो जाने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कई सांस की बीमारियां इसी के चलते बढ़ रही हैं। गिरिडीह में आईएएस के 8 सदस्यीय टीम का स्वागत किया छात्राओं ने और किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। पत्थरगामा में 28 वर्षीय सुविता कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। 2004 में हुई थी शादी, तभी से प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल पक्ष की ओर से। गुड़ा के नए एसपी के रूप में शैलेंद्र वर्णवाल ने किया पद ग्रहण। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य है कि स्मार्ट सिटी बनाना और क्लीन बनाना, इसके साथ ही अपराध मुक्त शहर बनाना भी है। धनवारा थाना क्षेत्र के सियारी में एक विवाहिता की हुई मौत। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, लाश को सड़क पर रखकर घंटों तक जाम किया गया। घाघरा में एक नाबालिग युवती के साथ दबंगों ने किया दुष्कर्म। शाम के समय बाहर निकली थी, तभी घर से अगवा करके ले गए थे आरोपी। लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, मृत डीएसपी को यूपी पुलिस ने ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में डीजीपी को मांगनी पड़ी माफी। गठबंधन का इतिहास देख चुके यूपी में दिखा अब नया सियासी रंग, विपक्षी खेमे में जिसको देखते हुए बढ़ गई हैं हलचले। बिहार के लखीसराय में आरजेडी विधायक की गुंडागर्दी सामने आई। बिहार में आरजेडी विधायक की गुंडागर्दी में दिखा कि किस तरह से सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। झारखंड में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। झारखंड के बागमारा में गति पे लगाम देने के लिए की जा रही है ट्रांसपोर्टिंग ठप। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पहली सरकार जिस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। झांसी में ग्राम रेवान में सराफा व्यापारी के घर में बदमाशों ने किया डकैती का प्रयास। झांसी जिले के नावाबाद थाना अंतर्गत तालपुर में 3 लावारिश बम मिले। राजस्थान में बीएसपी नेता का धमकी भरा बयान, कहा पत्थर का जवाब AK-47 से देंगे। कुंभ मेला 2019 में राम मंदिर के लिए अनूठा संकल्प लेने वाले रुद्राक्ष बाबा बने कुंभ मेले का आकर्षण का केंद्र। इस खास खबर के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज इंडिया। नमस्कार। सुपर फास्ट।